लोगों को धन्यवाद किया। राजस्थान के पाली में गैस सिलेंडर ले जा रहे एक ट्रक के पहियों में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। बताया गया कि हादसे के वक्त ट्रक में करीब 100 से ज्यादा गैस सिलेंडर मौजूद थे। जो ट्रक में लगी आग की चपेट में आ गए और उनमें एक के बाद एक कई धमाके हुए। इस दौरान लोगों ने सावधानी बरतते हुए हाईवे पर अपनी गाड़ियों को ट्रक से काफी दूर रोक लिया, जिससे वो जलते हुए सिलेंडर की चपेट में आने से बच गए। बताया गया कि ट्रक के पहियों में अचानक आग लग गई थी, जिसे ड्राइवर ने बुझाने की कोशिश की, लेकिन इसमें वो नाकाम रहा। इसके बाद आग ने ट्रक में भरे गैस सिलेंडरों को भी अपनी चपेट में ले लिया। इस दौरान काफी दूर से धुएं का काला गुब्बार आसमान में उठता दिखाई दिया। बताया गया कि सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कानपुर में जीटी रोड पर कई दुकानों में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। बताया गया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आग लगी थी। और देखते ही देखते वहां की हार्डवेयर और इलेक्ट्रॉनिक्स की कई दुकानें आग की चपेट में आ गईं। वहीं आग लगने के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में रखे गए सामान जो अब तक जले नहीं थे, उनको लोग निकालते दिखे। आग इतनी भीषण थी कि उसकी लपटें दूर से ही नजर आ रही थी। वहीं आग से धुएं का गुब्बार उठने लगा और आसमान काला दिखने लगा। बताया गया कि इस आग से करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। दमकल विभाग वाले जब तक मौके पर पहुंचते, तब तक कई दुकानें जलकर राख हो चुकी थीं। वहीं उत्तर प्रदेश के आगरा में बिजली के बॉक्स में आग लगने की वजह से इलाके में दहशत फैल गई। सड़क के किनारे बिजली के बॉक्स में पहले चिंगारी निकली और फिर अचानक धुआं उठने लगा। तभी अचानक उस बॉक्स में तेज धमाका हो गया और बिजली के इस बॉक्स से चिंगारी निकलकर सड़क पर गिरने लगी, जिससे वहां के लोग घबरा गए। इसके बाद भी उस बॉक्स में आग जलती रही। बताया गया कि इसकी वजह से आसपास के कई घरों में बिजली गुल हो गई। लोगों ने बिजली विभाग को इसकी खबर दी, लेकिन वो जब तक वहां पहुंचते, उससे पहले लोगों ने मिलकर उस आग को बुझा दिया। असम के सिलचर रेलवे स्टेशन पर खड़ी तिरुवनंतपुरम सिलचर सुपरफास्ट एक्सप्रेस में आग लगने से हड़कंप मच गया। बताया गया कि आग सबसे पहले ट्रेन की एक बोगी में लगी, जिनके पास की दो बोगियों को भी अपनी चपेट में ले लिया और कुछ ही देर में वहां से आग की लपटें उठने लगी, जिसके बाद काले धुएं का गुब्बार उठता देखा गया, जो पूरे इलाके में फैल गया। वहीं आग की खबर सुनकर लोगों की भीड़ जमा हो गई। वहीं ट्रेन में लगी आग को बुझाने के लिए रेलवे स्टेशन के कर्मचारी बोगियों पर लगातार पानी की बौछार करते रहे, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि उस पर काबू पाने के लिए कर्मचारियों को कड़ी मेहनत करनी पड़ी। यही नहीं, कर्मचारियों ने आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड से भरे सिलेंडर का भी इस्तेमाल किया। हालांकि थोड़ी देर बाद आग पर काबू पा लिया गया।